नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 दिसंबर 2013 को देहरादून में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें उत्तराखंड दिया। उस समय जब उत्तराखंड बना तो राज्य कांग्रेस के हाथ में आया, लेकिन उसके बावजूद भी अटल जी ने यह नहीं देखा कि किसकी सरकार है और उत्तराखंड को 10 साल के लिए पैकेज दिया। भाइयों बहनों, मेरा इस धरती से विशेष नाता भी रहा। मैं यहां प्रभारी था, हिमालय के प्रति मेरा बचपन से लगाव भी रहा है। पहाड़ी लोगों की प्रामाणिकता, पवित्रता, निर्मलता, गंगा जैसा जीवन मुझे बचपन से छू जाता और प्रभारी के नाते आप सबके बीच में रहा। यहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया। ईश्वर हमें शक्ति दे, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि आपने जो दिया है कुछ तो आपको लौटा सकूं। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार दिल्ली में हो या सरकार देहरादून में हो, ये जनता से कटे हुए लोग हैं और ये मन से छटे हुए लोग आती है, लोग आते हैं,
नई पीढ़ी आती है, कितना राज्य का भरा होता है। लेकिन ये हर चीज को ताले लगाने में लगे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। भाइयों बहनों, हम सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऋणी हैं। उन्होंने हमें उत्तराखंड दिया, और ये भी सौभाग्य देखिए कि राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड, और उस समय उत्तराखंड बना तो राज्य कांग्रेस के हाथ में आया। लेकिन उसके बावजूद भी देशभक्ति क्या होती है, समाज भक्ति क्या होती है, वाजपेयी जी ने ये नहीं सोचा कि यहां तो अब कांग्रेस की सरकार है, वो करेंगे पड़ेंगे, जो होगा सो होगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा उत्तराखंड भी हमारा है। उन्होंने पैकेज दिया, 10 साल के लिए पैकेज दिया, और ये नहीं देखा किसकी सरकार है। लेकिन इन्होंने आकर के क्या किया, 10 साल में 10 साल कर दिया। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से कारखाने आ रहे थे, मेरे गुजरात से भी कईयों ने यहां कारखाने लगाए, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि यूपीए सरकार ने आकर के आपको अटल जी ने जो सहूलियत दी थी उसको भी छीन ले। भाइयों बहनों, शासन में बैठे हुए लोगों के लिए अपने पराये नहीं होते हैं, सारे के सारे हमारे होते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम बहुत सालों में यहां एक बात सुनते थे, जब भी आते थे कोई भी बात हो, कोई कार्यक्रम करना हो, यहां की मीटिंग करना हो, तो ये कहावत तो मुझे पूरे दिमाग में ठूस ठूस में भर दी गई। बोले मोदी जी गुजरात नहीं है, ऐसा मुझे कहते थे जब मैं काम करता था। बोले आप बाहर को नहीं जानते, यहां की जवानी और यहां का पानी हमारे काम नहीं आता। ये मुझे बार बार, यहां की जवानी और यहां का पानी बाहर के काम नहीं आता। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है, अब विज्ञान पानी को भी बाहर के काम में आ सकता है, और जवानी बाहर को खुशियों से भर सकती है। वक्त बदल चुका है। भाइयों बहनों, इतना पानी पहाड़ों में हो और देश में अंधेरा हो, इसका कारण क्या? आप लोगों का जवाब हाजिर है। मिलकर जल विद्युत परियोजनाएं, वो पानी को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, और ऊर्जा न पहाड़ों की लेकिन राष्ट्र की शक्ति बन सकती है, और वो किया जा सकता है। लेकिन इनको न समय है, न करना है, न सोच है। वो तो चाहते हैं लोग गरीब रहे, लोग ऐसे ही रहे ताकि उनकी सरकारें चलती रहे। भाइयों बहनों, आज मेरे पहाड़ों का नौजवान कितनी अच्छी मौसम छोड़कर, कितना बढ़िया माहौल छोड़कर शहरों की झुकी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? बूढ़े मां बाप को छोड़कर के नौजवान को क्यों जाना पड़ता है?
जो सिर्फ दुनिया पर अपने देश को कहां से कहां ले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि ऐसी है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक कभी न कभी जिंदगी में एक बार इस पवित्र भूमि पर आना चाहते हैं, सपना देकर गया। हर नौजवान को रहता है कि मां बाप को हरिद्वार ले जाओ, ऋषिकेश ले जाओ, बद्रीनाथ ले जाओ, गंगोत्री ले जाओ, यमुनोत्री ले जाओ, घर का सपना है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं सिर्फ आर्थिक परिभाषा में बोलूं, उसको कोई गलत है घुमा नहीं जाना है। अगर आर्थिक परिभाषा में देखूं तो 125 करोड़ यात्रियों का मार्केट उत्तराखंड का इंतजार करता है। कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा अवसर आपके सामने। क्यों विकास नहीं होता? क्यों लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है? भाइयों बहनों, पूरे विश्व में आज टूरिज्म उद्योग सबसे तेज गति से विकास हो रहा उद्योग माना जाता है। 3 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार की संभावनाएं टूरिज्म में पड़ी हुई है। हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है और दुनिया के लोगों के मन में भी जो शांति की खोज में है, जो वैभव से ऊब चुके हैं, ये भी इस धरती की शरण में आने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हम न सिर्फ हिंदुस्तान, सारी दुनिया को उत्तराखंड के चरणों में ला करके खड़ा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से जो विकास की अवधारणाओं का अभ्यास करते हैं, उनको आग्रह करता हूं, आप आज से 30 साल पहले के मक्का को याद कीजिए। 30 साल पहले मक्का का रूप क्या था? बहुत गिने गिने लोग आते थे, व्यवस्थाएं बहुत सामान्य थी। लेकिन पिछले 30-40 साल में मक्का को उस रूप में खड़ा कर दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री किसी एक स्थान पर आते होंगे वो स्थान मक्का बन गया। अरबों खरबों का दौर का ढेर वहां हो रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये भूमि कितनी पवित्र है, थोड़ी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो कहां से कहां उत्तराखंड पहुंच सकता है? क्या हिंदुस्तान के हर राज्य को इस धरती से रेलवे से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? अगर केरल से सीधी ट्रेन यहां आती है, चेन्नई से आती है, अहमदाबाद से आती है, आप मुझे बताइए यहां यात्रियों की कमी रहेगी क्या? यहां की आर्थिक सुविधाएं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन इनको ये समझ नहीं आता है। उनको लगता है हिंदुस्तान के हर कोने से ट्रेन दिल्ली तो आनी चाहिए, लेकिन देश का दिल उत्तराखंड में है, वहां भी तो आनी चाहिए। थोड़ी सी सुविधाएं बढ़े और भारत के यात्री कष्ट झेल करके यात्रा करने के स्वभाव के हैं, अगर उनकी चिंता की जाए, अगर यहां क्या सार्वजनिक जीवन में